everyone. Hi, guys. Hi, everyone, my dear children. I welcome all of you to this YouTube live streaming. आ जाइए फटाफट से आ जाइए. देखो मैं जुड़ गई क्या तुम्हारे सबके साथ में. Let me just quickly check. हाँ आ गए. Fantastic. So चलिए जी फटाफट सबको बुला लो. बच्चा बाटी सबको बुला लो और सब लोग आ जाओ जल्दी से. आज के करंट अफेयर्स के लिए हम सभी लोग तैयार हैं. मैं तो तैयार हूँ करंट अफेयर्स के लिए आज के. और बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स आज भी हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस. ऐसे रोज प्रैक्टिस चलती रहेगी तो मजा बहुत आने वाला है. हाँ और एक और चीज बता दूँ, करंट अफेयर्स के लिए ना हमारा फोल्डर अवेलेबल है. मैं अपने फोल्डर में करंट अफेयर्स बहुत सारे शेयर करती हूँ. हर मंथ के इकट्ठे करके बहुत सारे करंट अफेयर्स में डाल देती हूँ. कोई भी बच्चे उसको ले सकते हैं. कोई भी बच्चे, इट इज अ फोल्डर हैज you know something which is useful to all of you who are going to write CCET exams, and you have free access to that folder. All of you can use it also. ठीक है तो कर सकते हो. अच्छा जल्दी जल्दी सबको बुला लो. हाई गाइज, हाई एवरी वन, आई कैन सी स्टूडेंट ज्वाइनिंग इन. जल्दी जल्दी से आ जाया करो, है ना. 12 से 1 अपन अपनी क्लास जो है चलाएंगे. आधा लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और शुरू के कुछ टाइम सबसे पहले हम करेंगे अपना करंट अफेयर्स. जल्दी जल्दी से आ जाइए भाई सब लोग, और अपना आपस में भी एक दूसरे को बुला लो, है ना. ओके और जो जो आ गए हैं, थोड़ी लाइक्स में कमी दिख रही है. प्यार बरसा दिया करो भाई थोड़ा. टीचर्स के लिए एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि सेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए. सो वी डोंट हेजिटेट टेकिंग एफर्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, बट यस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि स्टूडेंट्स इतना जरूर कर सकते हैं, एंकरेज कर सकते हैं कि वो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें. ठीक है चलिए जी शुरू करें. अनलॉक 20 चल रहा है, वो मैं बार बार बता चुकी हूँ तुमको. जिसको भी चाहिए अनलॉक 20 में, आप सिंपल सा है इसमें लॉजिक कि यार कॉम्बो लेना है, कॉम्बो ले लो सब लोग, है ना. कॉम्बो बेस्ट रहेगा. अभी आप 12 से 18 महीने का कॉम्बो काफी रीजनेबल है, लेकिन स्टिल इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ 6 months कॉम्बो एंड ट्राई इट. बाद में एक्सटेंड चाहो तो करवा सकते हो. ठीक है सो ट्रायल में जरूर आपको लेना चाहिए, ये मुझे लगता है. टीचर्स काफी कॉम्पिटेंट हैं और काफी सिस्टमेटिक होता है. सिस्टमेटिक के लिए तो आप लोग सब मुझे जानते हो. हाउ यू ऑल नो मी इज सर्टेनली एज योर एजुकेटर एंड एज समबडी हु क्वाइट लाइक्स कीपिंग थिंग्स सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, है ना. सो वो पार्ट एक मेरा सब लोग जानते हैं, जो भी मुझे जानते हैं इंडस्ट्री में वो मुझे इस काम के लिए जरूर जानते हैं. आई लाइक टू कीप इट एट दैट. ठीक है तो सब लोग ले सकते हो भाई. मेरे जो को एडुकेटर्स हैं एग्जी में, वो भी ये चीज के लिए कमिटेड है. ठीक है चलिए आ जाइए जी फटाफट से लाइक कर देना सेशन को. जो जो आता है ना वो प्लीज एक बार क्लास को जरूर से लाइक कर देना, सो इट कैन रीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स. ठीक है ना. फर्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू जल्दी से हम कर लेते हैं. एक सेकेंड, एक काम और करना होगा मुझे. पहले मैं ये कर लेती हूँ. एक सेकेंड, हाँ ये अपना स्कोर बनाना. यस एक सेकेंड ये है हमारा. यस और मैंने अपना लिंक जो है वो तो ले लिया है. देखो बीसी एक्स्ट्रा मैंने कहा था ना, बीसी एक्स्ट्रा जरूर रहता है. बीसी एक्स्ट्रा जो है वो जरूर रहता है हमारा. यस एंड बीसी एक्स्ट्रा यो यस करंट अफेयर्स. चलिए जी आ जाइए फटाफट से आ जाइए. सब लोग आ गए ना. शुरू किया जाए करंट अफेयर्स, शुरू किया जाए. बीसी एक्स्ट्रा शायद सबको दिख रहा होगा. बिजनेस कम्युनिकेशन है वो, एमसीक्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके क्विक लेट्स स्टार्ट फटाफट से लेट्स स्टार्ट. हाय एवरीवन. हाय चलो भाई सब लोग आ गए हम लोग और फटाफट पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सब लोग को दिख रहा होगा ना. ऑल ऑफ यू कैन सी द क्वेश्चन. टेल मी इफ यू कैन सी द क्वेश्चन. जस्ट पुट यस 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 करंट अफेयर्स के लिए रेडी. और सब लोग लाइक कर देना ठीक है. क्लास शुड बी लाइक बाय ऑल ऑफ यू. एज मेनी ऑफ यू आर हियर इन द क्लास, एटलीस्ट उतने लाइक तो मुझे दिखना चाहिए, है ना. चलो फर्स्ट क्लास. Which village in Assam has been chosen as the best tourism village of India in 2023? How many of you all know this?
कितने लोगों को मालूम है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दिस आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किस विलेज को? पक्का पक्का, ए बी मोनाबारी, विश्वनाथ घाट, काजीरंगा, माजुली, विच विलेज इन आसाम? वेल, विश्वनाथ घाट को टूरिज्म के लिहाज से बेस्ट विलेज जो है वो घोषित किया गया है, बेस्ट विलेज ऑफ इंडिया है। अब मेरा प्लान है, पता है, मैं सोच रही हूँ कि जब जाऊं कभी आसाम तो जरूर घूम करके आऊं। विश्वनाथ घाट बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ, और सारे के सारे पूरे मुझे दिख रहे हैं कितने, नियरली 50 हो रहे हैं हम लोग। फटाफट से एक लाइक जरा लगा देना क्लास को, है ना, ताकि और स्टूडेंट्स आ जाए। विच एनिमल हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज फूड एनिमल बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? फसाई ने कौन से एनिमल को फूड एनिमल के रूप में जो है रिकॉग्नाइज किया है, फूड एनिमल के रूप में फसाई ने किसको रिकॉग्नाइज किया है और क्यों? बताओ, फूड एनिमल, एनीवन नोस? कोई है नॉर्थ ईस्ट वाला? एक मूवी भी बनी थी, तुमको अगर याद, एक मूवी भी बनी थी ना, वरुण धवन वाली, कौन सी मूवी थी, भेड़िया मूवी ना, इट हैड मेंशन ऑफ दिस एनिमल, इट हैड मेंशन ऑफ दिस एनिमल। नो 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 यस, वेरी गुड। कोई बच्चा है नहीं नॉर्थ ईस्ट वाला? क्या कोई नॉर्थ ईस्ट है नहीं स्टूडेंट कोई? Yes, Anubhav, very good. It's Mithun. Yes, it's Mithun. एकदम सही जवाब है। वो मूवी तुम लोगों ने शायद देखी होगी ना, भेड़िया, उसमें वो एनिमल का मेंशन भी था, ठीक है? So, Mithun is the animal. Food Safety and Standards Authority of India, FSAI, has recently recognized the Mithun, a bovine species native to Northeast Asia, specifically as a food animal, ठीक है? अब तुमने, अगर तुम पहचानते हो कि भाई अब बोवाइन स्पीशीज, तो बोले मैम कैसा दिखता है या क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले तो पक्का जानते होंगे, लेकिन अदरवाइज मैं तुमको बता दूं, ठीक है, कि कैसा दिखता है। सो इट्स लाइक सिमिलर टू, थोड़ा बफेलो फैमिली का होता है ना, ड्रम भी बोलते हैं, ड्रम ऑक्स भी बोलते हैं उसको, ड्रम ऑक्स और मिथुन, लार्ज डोमेस्टिक केटल है नॉर्थ ईस्ट एशिया में, ठीक है? So, थोड़ा सा लुक्स लाइक ड्रम ऑक्स है, इट्स मतलब उसी फैमिली का होता है, यू कैन से ऑक्स फैमिली, बफेलो फैमिली, वैसा ही दिखता है देखने में, ठीक है ना, ड्रम ऑक्स। सो इसको, ताकि मतलब ये है इसका चक्कर, ये है लोगों ने क्यों रिकॉग्नाइज किया है, एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्प्लीकेशंस। और दूसरी चीज ये है कि कमर्शियल यूज ऑफ मिथुन मीट, भाई आप लोग जानते हो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके चलते काफी इसका इम्पैक्ट होने वाला है। हालांकि कई जगह इसको सेक्रेड एनिमल भी मानते हैं, सो देखो अब लार्जली क्या इम्पैक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेयर वाज द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 इनॉग्रेटेड? ये बताओ तो, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ इसको इनॉग्रेट किया गया था, वेयर हैज द इनॉग्रेशन हैपेंड, कहाँ हुआ है, सेप्टेम्बर में? वर्ल्ड वाइड लीगल एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया गया, इंटरनेशनल लॉयर्स की कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पर हुआ? मैं तुमको अगर एक हिंट, तुम बोलो तो मैं हिंट दे देती हूँ, तुम बोलो तो मैं हिंट दे देती हूँ, और इसकी थीम भी तुम्हें बतानी होगी। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में होने वाले जो अभी नए चैलेंजेस हैं उनके चलते वो ये थीम है, और दूसरी, यस, इट्स विज्ञान भवन न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। दिस वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, है ना, और इसका सिंपल सा जो थीम था वो ये था, इमर्जिंग चैलेंजेस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, दिस वाज द थीम। और इसके अलावा विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक, लीगल एक्सपर्ट्स दुनिया भर से यहाँ आए और डिस्कस की है चीजें। चलिए नेक्स्ट, अब
Which Indian bank launched the NEO for business banking platforms for MSMEs? बताइए भाई. Which Indian bank launched NEO for business? जल्दी 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 से देखते हैं, अब ये बन जाना चाहिए, ये हम लोग काफी कुछ कर सके हैं, कर भी चुके हैं. NEO for business banking platform for micro, small and medium enterprises, क्या है ये? कौन सा बैंक? Anyone can tell which bank? Distinctive transactions. बिल्कुल सही. यस 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 यस. एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर. एक्सिस बैंक इज सर्टेनली द करेक्ट आंसर. यस बिल्कुल सही जवाब है, है ना. सो ये बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब अभी दिया है, है ना. दिस इज करेक्ट. एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस बैंक ने ये अभी स्टार्ट किया एनईओ फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म. ये एक्सिस बैंक लॉन्च्ड एनईओ फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज इन सितंबर. प्लेटफॉर्म इज डिजाइन्ड टू हेल्प एमएसएमईज मैनेज देयर फाइनेंसेस एंड बैंकिंग ऑपरेशंस मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड सर्विसेज स्पेशली केटरिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, है ना. स्मॉल सेक्टर रिक्वायरमेंट्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस रिक्वायरमेंट्स, अकाउंट्स मैनेजमेंट, पेमेंट्स कलेक्शन, ट्रेड फाइनेंस एटसेट्रा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट फटाफट जी. क्या है 64 योगिनी टेम्पल? ओके, 64 योगिनी टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एनीवन, कोई है क्या, कोई है क्या उस स्टेट से? एनीबडी फ्रॉम दैट स्टेट? 64 योगिनी टेम्पल. योगिनीज 64, 64 is 64. Anyone? यहां से स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, कोई है क्या, कोई है क्या इस स्टेट से? बहुत सारे हैं. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट. बहुत सारे हैं स्टेट से तो. एमपी इज द करेक्ट आंसर. मितोली एमपी, है ना. 64 योगिनी टेम्पल. सो ये काफी अच्छा अपने आर्किटेक्चर और पिलर विलर जो है इसके लिए काफी ज्यादा अभी ये न्यूज में भी इसको दिखाया था. ये मितौली में है, मध्य प्रदेश. इज बिलीव टू हैव इंस्पायर्ड द ओल्ड इंडियन पार्लियामेंट सर्कुलर पिलर स्ट्रक्चर. ऐसा था, इसी वजह से ये आया था कि जो पुराना ऐसे गोल वो पिलर स्ट्रक्चर है कहते हैं वो मितौली में जो 64 योगिनी टेम्पल है वहां से इंस्पायर्ड है. बिल्ट इन 14th century. ठीक है. टेम्पल इज डेडिकेटेड टू 64 पावरफुल योगिनीज एंड फीचर्स यूनिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग अ हाइपेट्रल डिजाइन विथ नो रूफ. ऊपर रूफ भी नहीं है, काफी जबरदस्त डिजाइन है ऐसा माना जा रहा है. चलिए, विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्टेड ऑपरेशन सजग ड्रिल? ये मैंने तुमको क्लास में भी करवाया था. ऑपरेशन सजग हम लोगों ने क्लास में भी किया था, जल्दी से बता दो. ऑपरेशन सजग, हिंट दो तुमको मैं, हिंट दो तुमको मैं. ये फिशरमैन सिक्योरिटी. सो ध्यान से तुम्हें समझना होगा, कोस्टल लाइन के आसपास सिक्योरिटी ऑफ आर फिशरमैन. दिस वाज द प्राइम फोकस ऑफ दिस ऑपरेशन सजग. बताओ किसने कंडक्ट किया, जल्दी से बता सकते क्या? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी? नो, कोस्टल लाइन ऑपरेशन था. और ना 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 ना, क्लास में किया है यार, कैसे कर रहे हो? नहीं, क्लास में किया है, क्लास में किया है अपन ने. विजिलेंस पढ़ाना है? नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. डी वाले मुझे देखो, ठीक है. अक्षय को खाली लग रहा है, याद है अक्षय? उत्सव ध्रुव, वेरी गुड. इट्स इंडियन कोस्ट गार्ड्स, बिल्कुल सही. इंडियन कोस्ट गार्ड्स, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, कोस्टल लाइन पे किया गया है ये. और किस लिए किया गया है? विजिलेंस फॉर, स्पेशली फॉर फिशरमैन सिक्योरिटी.
सिक्योरिटी विजिलेंस है ना, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ठीक है, विजिलेंस टी ने विजिलेंस करते हो गया। चलो जी, सो नेक्स्ट ऑपरेशन सजग, अ कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल अलोंग द वेस्ट कोस्ट एम्ड एट एनहांसिंग कोस्टल सिक्योरिटी। ऑपरेशन सजग जो है वो मंथली कंडक्ट किया जा रहा है टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मेजर्स एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, ऑल्सो रिवैलिडेटिंग द कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म व्हाइल रेजिंग अवेयरनेस अमंग फिशरमैन एंड सी। जब जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारे विजिलेंस वगैरह मेजर्स जो है उनको वापस से एक्टिवेट करें और हर महीने करने के लिए जो है वो प्लान है। चलिए जी नेक्स्ट, बिल्कुल सही। 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023, शायद तुमने लॉ में भी किया होगा, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद डैश 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें याद है, बता दो जी अगर याद है तो। बताइए 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 एवरीबडी एवरीवन एवरीवन, ये तो सब लोग देखे हम लोग, ये दिस ऑल वी हैव सीन इन न्यूज आल्सो, वी हैव सीन द डिस्कशंस आल्सो, एब्सोल्युटली 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 रिसेंटली दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड विद दैट एसोसिएट्स विद और दैट एम्स एट प्रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, लोअर हाउस ऑफ, ध्यान से देखो, लोअर हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब कह रहे कि भाई जो पहले एससी एसटी ओबीसी और ये सब जितना रिजर्वेशन था उन्हें उसमें भी वी विल हैव टू हैव दिस 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। और कहीं ना कहीं जो है बहुत स्ट्रॉन्गली इसके लिए बहुत सारे डिस्कशन देखने को मिल रहे हैं एंड आई एम श्योर यू ऑल वुड हैव हर्ड अ लिटिल एटलीस्ट इफ नॉट मच, आप फॉलो कर सकते हो, बहुत सारा काफी हल्ला है अलग अलग लेवल पे अलग अलग मीडिया पे, different discussions can be obtained and can be you know checked also, अच्छे important views इससे जानने को मिलते हैं कई बार, but for now this is the answer, ठीक है। 128th amendment bill 2023 proposes reservation of 33 seats for women in Lok Sabha. Next, which institution is set to launch online platform called Bima Sugam? फटाफट बता दो तो, Bima Sugam किसका है भाई, Bima Sugam, and reminding to all of you who have not liked the class, please like the class, this is my only request, taki ye na maximum students tak pahunche, mujhe koi problem nahi hai questions ikatte karne mein, aapke liye lekar aane mein, yahan questions karane mein, this all fun, this is all a happy thing, but needy students must get the access to this class, no, since we are new और हम अभी YouTube पर जो है हम लोग थोड़ा कोशिश करें कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम पहुंचा सके ये सब क्लासेस जो इम्पोर्टेंट है, वी नीड योर हेल्प एज वेल, ठीक है। Bima Sugam किनका है, Bima Sugam IRDAI, नीति आयोग, PFRDA एंड RBI, इंश्योरेंस is the buzzword, insurance is the buzzword, ध्यान से। नीति आयोग यू नो, PFRDA is pension fund regulatory and development authority, pension fund, RBI you know is reserve bank of India, right, IRDAI you know the insurance regulatory and development authority of India, this is something that you know I'm sure. Yes, yes. First one is the correct answer. IRDAI is the absolutely correct answer. ठीक है ना? मैंने कहा था तुमसे, insurance is the buzzword. ठीक है? Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, is set to introduce a groundbreaking online platform called Bima Sugam, which aims at becoming the world's largest online market for insurance products and services. This platform will offer what? Consumers को, customers को एक user-friendly interface देगा. To explore and choose insurance schemes from various companies covering life, health. अभी तक हम देखते थे बड़े सारे ना, बड़े सारे जो है we will say private sector का हमको बहुत उसमें देखने को मिलता था advertisements, बहुत कुछ. So अब अपना
IRDAI ने कहा है कि भाई हम एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें डेफिनेटली काफी फायदा होने वाला है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस अपन रखेंगे और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इसको बनाएंगे फॉर इंश्योरेंस एंड अलाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलिए, अच्छा लग रहा है देख के, बट लाइक यू नो अपने नेशनल इंस्टीट्यूशन दे कम अप विद दीज आइडियाज एंड they want to implement it thoroughly, it really makes me feel very good and I'm sure we all feel proud, hai na? Chaliye. Hoysala temples, UNESCO World Heritage, kis state mein hai? Ye apan 3-4 baar kar chuke hain. Last year se chal raha hai ye. Ye chal raha hai last year se. Last year also we had done. Bata do fatafat se. Tamil Nadu, Karnataka, Odisha and West Bengal. नाटक मत करो तुम लोग, है ना, फटाफट बता दो, ज्यादा नाटक मत करो, अपन 6 बार कर चुके हैं ये, दिस क्वेश्चन वी हैव डन लाइक 5-6 टाइम्स वी हैव डन। प्रज्ञा झट से बोलती है कि आंसर जो है वो बी है, समीक्षा ऑल्सो बी, यार ज्यादा नाटक मत करो ना, कितना नाटक करते हो, कितने बाल बताया है। यस हो गया नाटक खत्म, पैसा हजम। यस, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, कर्नाटका। हॉयसाला टेम्पल्स आर लोकेटेड एट कर्नाटका। चलिए जी, अब सेक्रेड एग्जांपल्स ऑफ हॉयसालास प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, एंशियंट टेम्पल्स प्रीवियसली ऑन यूनेस्को'स टेंटेटिव लिस्ट सिंस 2014 नाउ गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर देयर एक्सेप्शनल कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये जो है बेलूर में है, सच एज ये नाम भी है, देखो चिन्नकेसवा टेम्पल एंड हेलिबेट फीचरिंग स्टार शेप्ड आर्किटेक्चरल प्लान्स एटसेट्रा। बेलूर भी न्यूज में ऐसे रहता और फेमस भी है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है, अगर किसको किसको मजा आ रहा है करंट अफेयर्स करने में, मेरे को फट से जरा एक बार यस लिख के तो बताना, जरा फट से यस लिख के तो बताना, जिनको जिनको मजा आ रहा है। हा? पूछो ना कैसा मजा आ रहा है, मुझे तो आता है तुम्हारे साथ करंट अफेयर्स करने में, काफी मजा आता है भाई। आई ऑल्सो स्टैंड मोर नॉलेजेबल, आई ऑल्सो गेट टू लर्न एवरी डे। कई सारे न्यूज मैं पहले मिस कर देती थी, अब नहीं करती क्योंकि तुम लोगों को कराना होता है ना, अब मिस नहीं करती। चलिए बताइए फटाफट से, हाउ मेनी प्योर, यस पक्का, ओके ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, परफेक्ट। व्हाट डिड द नासा कैप्सूल दैट लैंडेड इन द उटा डेजर्ट कैरी टू अर्थ, बताओ, व्हाट डिड इट गेट टू अस। नासा कैप्सूल दैट लैंडेड इन उटा डेजर्ट, क्या लेकर आया, मून रॉक सैंपल्स, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड सैंपल, मार्सवेल सैंपल्स एंड स्पेस स्टेशन इक्विपमेंट, बताइए जी। क्या किसी ने पढ़ा है, क्या किसी ने पढ़ा है, एनीवन कैन आंसर दिस वन फॉर मी प्लीज। हाँ, अभी तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड सैंपल लेके आया, कहते हैं कि उटा डेजर्ट में जो नासा कैप्सूल लैंड किया, they're saying it has got with us largest asteroid sample collected so far, अभी तक का जो है सबसे बड़ा asteroid sample लेकर आया है, ऐसा कहा जा रहा है। ना 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 ना, it's not marsoid, it's largest asteroid sample, याद रखना, ठीक है, याद रखना ये वाला, ठीक है ना सब लोग। चलिए next, where is 19th edition of Yudh Abhyas set to commence, bataiye bhi fatafat se, Yudh Abhyas set to commence, ye hai kya, military cooperation aur readiness ko badhate hue ye Yudh Abhyas kya hai, this is a collaborative exercise, collaboration, theek hai, collab hai, kiska kiska collab hai wo bhi bata do main tumko, Indian military, Indian army and US army, ठीक है, US army और युद्ध अभ्यास का 19th edition कहाँ शुरू होने वाला है, military cooperation and readiness को बढ़ाएंगे कहा जा रहा है और इसका 19th edition कहाँ होने वाला है, बताइए जल्दी से, collaborative effort है, anyone?
एनीवन फॉलोड द न्यूज़ लेटली ऑन दिस? हवाई में जा, हवाई में युद्ध अभ्यास के लिए कौन जाता है? कौन लाया है ये ए वाला आंसर? ask me guys, ask me. Ayla, ask me. Ayla, huh? Yes, Alaska is the clear answer. Alaska is the correct answer. ठीक है ना? युद्ध अभ्यास, 19th edition of युद्ध अभ्यास is scheduled to begin in Alaska, USA. As a collaborative effort between Indian Army and US Army to enhance military cooperation and readiness. ठीक, चलिए जी. एक के पीछे एक चिपक जाते. छोटे छोटे चूहों को देखा है? छोटे छोटे जो चूहे होते हैं ना, कई बार चुचुंदर के बेबीज देखे हैं मैंने तो, काफी देखे हैं. हम तो जैसे अभी यहाँ पे भाई फौज में तो ऐसी ऐसी जगह पटके जाते हैं कि कीड़े मकोड़े जानवर खूब देखने को मिलता है. और पहले तो काफी होते थे. पहले तो खैर हम लोगों को इतना ज्यादा, अब तो चीजें बन गई, इतनी बिल्डिंग्स बन गई, पहले ना ये हर जगह दिख जाते थे ऐसे. तो तुम देखना छोटी डक्स होती हैं, छोटे छोटे चूहे के बच्चे होते हैं ना, तो उस पिंकीज, हाउ दे वॉक वन बिहाइंड द अदर. ऐसा लगता है एक दूसरे की पूछ पकड़ के चल रहे हैं. ऐसे लगता है एक दूसरे की ना पूछ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, एक दूसरे की पूछ पकड़े हुए ऐसे ना ऐसे. दिस इज हाउ दे सीम, के एक दूसरे की पूछ पकड़े, फिर ऐसे उसकी बॉडी दिखती है एक दूसरे की, ऐसे पूछ पकड़ पकड़ के चलते ऐसे. तो ऐसे ही लगता है तुम लोग भी चलते हो ऐसे. एक बड़ी मुश्किल से एक पूरा बड़ा वाला वो छोड़ता है पूछ, नहीं तो पकड़े रहते सबके सब, हाँ पैंट में घुस जाते. चलो चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टीम बिकेम द फर्स्ट टीम इन हिस्ट्री टू हिट 3000 सिक्सेस इन ODI cricket? Bap re bap. One day international cricket or which team became the first team in history? Historical ho gaya ye. Which team? 3000 sixes bana liye, 3000 chakke uda diye inhone. ODI cricket, one day international cricket mein. Anyone? Ye to ladkon ko pakka malum hoga. Definitely malum hoga. All of you know this? How many of you all know this? Oh yeah! India, yes, absolutely, India is the correct answer. बहुत अच्छा question था, good question, ठीक है ना? पहली country, पहली team in history to hit 3000 sixes in ODI cricket, this is Hyderabad. कौन है ये? हाँ, ये anti-national कौन घुसाया एक class में? पीटो इसको पकड़ कर, पीटो. चलिए, ये इंडिया इज द करेक्ट आंसर. हाँ, नेक्स्ट. अच्छा, अब यहाँ पर आई थिंक नेक्स्ट नहीं, अब अपना टाइम भी हो गया इसका ना. ठीक है जी, फिनिश्ड. मजा आया तो फट से अभी जितने लोगों, एक एक लाइक लगा दो जरा सा क्लास में. और अब चलो जी, ले चलती हूँ तुमको आज, चल के तुझे मैं लेके चलू अब लॉजिकल रीजनिंग के तले. जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस मस्ती ही मस्ती करे. चलिए, मस्ती तो होती है एलआर की क्लास में. एलआर की क्लास में तो जबरदस्त होती है मस्ती. चलिए जी, शुरू किया जाए. एवरीवन, कैन वी स्टार्ट एलआर नाउ? एलआर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. एलआर के लिए एक बार जोर का यस 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 लगा दीजिए सब लोग. और सब लोग लाइक कर देना सेशन को. मैं देख रही थी तुम लोग ना सेशन को अगर प्रोपगेट नहीं करोगे ना, तो फिर एफर्ट जो है और विजिबिलिटी दोनों चीज हैम्पर होती है. डेफिनेटली शेयर कर दिया करो. बार बार बोलने का सिर्फ एक ही रीजन है कि शेयर करते रहो तो फिर क्या रहता है, सबको मोटिवेशन भी रहता है. इवन टीम इज एनकरेज, हमारी जो बैक एंड टीम है वो भी एनकरेज फील करती है कि हमारा काम, हाँ उन्होंने अपना काम किया है. सो इसलिए बोलना भी पड़ता है और वो सबके एफर्ट एक्नॉलेज होने चाहिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है ना? चलिए, दिस इज लीस्ट दैट स्टूडेंट्स कैन डू, है ना? ओके जी, सो चलिए एलआर स्टार्ट करते हैं फटाफट से. आज के क्वेश्चंस मजेदार हैं. गुड़िया को बुखार है आज. क्या है आज? आज तो शुक्रवार है ना, आज फ्राइडे है ना, और आज क्लास में एलआर है. चलो एलआर की प्रैक्टिस करें. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एलआर प्रैक्टिस अक्टूबर 13, क्वेश्चन नंबर 1. चलो फटाफट से करो. सम एक्टर्स आर सिंगर्स, all the singers are dancers. Conclusions dekhiye, some actors are dancers, no singer is actor. Syllogism ka question hai. Syllogism aap
बनाइए अब और मुझे आप जवाब दीजिए फटाफट से. नो एक्टर नो सिंगर इज एन एक्टर. बताओ भाई, पहले तो सीधी बात है, स्टेटमेंट से आप अपना वेन डायग्राम को सोचिए, बनाइए और फिर आप मुझे आंसर दीजिए. अपना वेन डायग्राम आप बनाइए और आप मुझे आंसर दीजिए फटाफट. सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स. एनीवन? पक्का? मैंने बोला मेरे को शॉट आउट दे दो, मैं शॉट आउट कर देती हूँ. शॉट आउट किसके लिए? साहिल के लिए. ओके लेट्स सी किसने किसने आंसर दिया. मैं बता रही सबसे पहले, यस साहिल ने दिया है आंसर, दैट्स राइट. अक्षय ने भी दिया है आंसर, अंशिका रितु ने भी दिया है आंसर, वेरी गुड. उत्सव अनुभव एंड प्रज्ञा आरुषि, आई थिंक वी आर गोइंग ग्रेट. सो ओनली वन फॉलोज. हाउ? सम है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, इसमें ना सम और ऑल की पूरी कहानी हो जाती है ना. ऑल द सिंगर्स, हाउ मेनी सेट्स आर देयर? देखो भैया देयर आर थ्री सेट्स, एक्टर्स एंड सिंगर्स एंड डांसर्स हैं. सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स. डांसर्स बन गया, सिंगर्स बन गया, यस. ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, यस. सम एक्टर्स आर सिंगर्स, यू ऑल कैन सी दिस. सम एक्टर्स और सिंगर्स, तो फिर ये ऐसे आना ही आना है. दिस इज गुड एवरीबडी. हाँ, सो ये एकदम क्लियर हो गया ना, ये सबको एकदम क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, यस. तो अब आप इसमें देखो, सम एक्टर्स एंड डांसर्स, यस. ये कौन है, ये हम लोगों ने कौन सा बनाया है? ऑल द सिंगर्स है ना. ये देखो यहाँ पर ध्यान से सब लोग, जिनका बाई चांस नहीं बना, सिंगर्स. ये कौन है? डांसर्स. ये कौन है? एक्टर्स. वेरी सिंपल. यहाँ पर ट्रू फॉल्स आप कर सकते हो. सम एक्टर्स आर डांसर्स, फॉर श्योर, फॉर श्योर. ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ना. देखो तो, नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर नहीं है, एक्टर तो है ना. ये इन बेचारों का क्या कसूर है, ये है ना, तो नो तो है नहीं. ये वाला हो जाएगा रॉन्ग, ये राइट है, इसलिए ओनली वन फॉलोस. यस एवरीबडी, दिस इज गुड एवरीवन. हाँ, सो आप डायग्राम करके करोगे ना तो बहुत तगड़ा बनेगा आपका. ओनली वन फॉलोस. Next question. All harmoniums are instruments. All the instruments are flutes. And all है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा आप, है ना. आपको तीन finite sets हैं, harmonium है, instrument है, flute है. All flutes are instruments. All harmoniums are flutes. ध्यान से करना, ध्यान से करना, ध्यान से करना. छट से चोरी से चोरी, चुपके से चुपके, चोरी से चोरी, जल्दी जल्दी करो. और ध्यान से ऑल को ध्यान रखना है ना. माइंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. डायग्राम विल हेल्प यू अ लॉट. वेन डायग्राम्स जिनके क्लियर है ना, उनको पूरा झटाक झटाक बनेगा. इसीलिए मैंने पहले वेन डायग्राम फिर करवाया था तुमको, स्पेशल क्लासेस में भी मैंने वेन डायग्राम इसलिए करवाया तुमको. सो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस. हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है. और इस बार किसने पहला आंसर दिया है ये भी मैं देखूं जरा. बी वाला, हाँ, प्रज्ञा ने एकदम पहले. प्रज्ञा, साहिल, वंशिका, वेरी गुड. फिर पायल, विदुषी, ऋतु, अक्षय, उत्सव ने सी कर दिया. सी गलत हो गया बेटा. सिद्धि, आरुषि, मानसी, सोना, ओके, पलक, गुड. अंशिका, आंसर सही है, बी इज द करेक्ट आंसर. हाउ? देखो ऑल है ना, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है. ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स. ओके, सो नाउ लेट्स बिल्ड इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट एंड लेट्स बिल्ड फ्लूट्स द नेक्स्ट. ये और इसके बाद ऑल करने के बाद ये हारमोनियम्स भी हमने बना लिया. हारमोनियम्स बना लिया, इसको अपन एच कर देते हैं. ये वाला जो है ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है. इसके बाद ये वाला क्या है, ये फ्लूट्स है. सिंपल सी बात है, ये वाला जो कंबाइंड एरिया है ना, दिस इज ओनली फॉर ऑल हारमोनियम्स. ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन ऑल इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट्स है. तो यस, ऑल हारमोनियम्स आर ऑल्सो फ्लूट्स. All harmoniums are also flutes. This is true. This is correct. है ना?
ये एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। लेकिन ऊपर वाला, भैया सारे फ्लूट्स नहीं हैं, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, नो, ये ऊपर वाले बच गए, ये तो बच गए ना, ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स तो खाली इतने ही थे ना नीचे। तो देखो कॉमन एरिया ढूंढना है इसमें, सबसे बड़ा पंगा इसमें होता है कॉमन एरिया मार्क करने का, ओनली कॉमन एरिया, इंटरसेक्टेड एरिया, दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड, बाकी नहीं। ये एक्स्ट्रा बचा हुआ ना फ्रूट्स वाला, ठीक है। सो यहाँ पर ओनली टू फॉलोस, वन जो है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऑल और सम का जो यहाँ पर एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है एवरीवन। चलिए डायग्राम आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखे हैं, बट यस थोड़ा केयरफुली चलना होगा। चलो, some mangoes are yellow, some tixo are mangoes, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। tixo what is a tixo, anyone? pear family का fruit होता है, ठीक है, just like pear, pear family, tixo, similar fruit, like pear like fruit, okay. tixo, sometimes green, sometimes yellowish in color. डन डन डन, हर कोई, सबका हो गया क्या? सम मैंगोज अ ग्रीन, हो गया सबका, सम मैंगोज अ ग्रीन, तो डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नीदर वन नॉट टू हो गया, सम मैंगोज अ येलो, सॉरी सम मैंगोज अ येलो, सम टिक्सोस अ मैंगोज, सम मैंगोज अ येलो है ना, हाँ। So, some mangoes are yellow. यहाँ ध्यान से देखना, अगर अपन यहाँ पर मैंगो बना ले सबसे पहले, so some mangoes are yellow. Yes, this is yellow. And some tixos are mangoes. ये हो गया, इसी तरीके से ये आएगा। So, there is nothing. Some mangoes are green. Green तो है ही नहीं यहाँ पर. This is yellow. This is mango. And this is tixo. So, ये सीधी बात है, इन दोनों के टिक्सो और येलो के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। दूसरी बात ये कि मैंगो जो है वो ग्रीन आसपास तो है नहीं, येलो है, टिक्सो इज अ येलो, नो, दोनों ही नहीं आ रहे, दोनों ही। देखो इंटरसेक्शन के बिना अगर हम बना सकते हैं ना फिगर, तो हमेशा बिना उसके ही बनानी चाहिए। यू शुड टेक इंटरसेक्शन ओनली व्हेन नेसेसरी, अदरवाइज डोंट टेक इट, है ना। क्वेश्चन करेक्ट करने का तरीका यही होता है। चलिए जी, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। Some ants are parrots. कुछ चींटियां तोते होते हैं। All parrots are apples. सारे parrots जो हैं वो सेब होते हैं। क्या question है? क्या मस्त question है? जल्दी से करो तो। दुनिया में नहीं रही। कौन नहीं रही? 67 यार के थे? किसकी बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो उत्सव? किसको हटा दिया तुमने दुनिया से? चलो चलो पहले पहले क्वेश्चन कर लो उत्सव। तुम यहाँ बैठे हो कि कुछ और ही कर रहे हो? बेटे डू वन थिंग एट अ टाइम, डू वन थिंग एट अ टाइम, है ना, डू वन थिंग एट अ टाइम। आई कांट सी योर मैसेज आल्सो नाउ। चलो फटाफट से, ऑल एप्पल्स आर पैरट्स, सम एंट्स आर एप्पल्स, सम एंट्स आर पैरट्स, ऑल द पैरट्स आर एप्पल्स, एंट्स पैरट्स एप्पल्स, एंट्स पैरट्स एप्पल्स, All the apples are parrots. Some ants are apples. बताइए भाई फटाफट से। बिल्कुल ये पहला जो सेकेंड वाला हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी की तरह है ये वाला क्वेश्चन। Yes, B is the correct answer. एकदम जबरदस्त। पहले all parrots है ना, तो पहले हम बना लेते हैं apple, ठीक है, फिर हम बना लेते हैं इसके अंदर parrots, है ना। ये हो गए आपके parrots, ये हो गए आपके एप्पल्स, और अब हमको एंट्स बनानी है, यानी कि चींटियां। सम एंट्स आर पैरट्स, आप ये देखो, सम एंट्स आर पैरट्स बनाओगे तो आपका आराम से
जो है इंटरसेक्शन बिना इसके बन ही नहीं सकता. सी दिस, ये आपका इंटरसेक्शन जो है ये इसके बिना बन ही नहीं सकता. एप्पल्स को क्रॉस किए बिना बन ही नहीं सकता. सम एंड्स एंड एप्पल्स फॉर श्योर, ये वाली तो एंड्स बच गई हैं, लेकिन जो ये वाली एंड्स हैं वो डेफिनेटली आपकी, ये वाली जो एंड्स हैं दे आर डेफिनेटली एप्पल्स. नो दीज आर एप्पल्स. तो ऑल एप्पल्स आर पैरेट्स? नो, ये जितने पैरेट के अंदर एप्पल्स हैं वो ही हैं खाली पैरेट्स, पूरे एप्पल्स नहीं है. ये जो एरिया है ये बचा हुआ है, राइट? सो यू हैव टू कंसीडर दिस ऑल्सो. दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट. सम है ना, सम और ऑल में बहुत फर्क है, सम और ऑल में काफी ज्यादा फर्क है. चलिए जी, बी इज द करेक्ट आंसर. आई एम नाउ स्टूडेंट, मतलब पहले यू आर वॉट है, यू आर नाउ स्टूडेंट, देन अर्लियर यू आर वॉट. ओके चलो. सम पेपर्स आर पेन्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स. क्या लिख रहे हो बताओ भाई? सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेपर्स. फटाफट स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं, वंडरफुल. शगुन, मान्या, तृप्ति, एक्सेलेंट. चलो भाई, सम पेपर्स आर पेन्स, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स. Some pens are pencils, some pens are papers. फटाफट, झटपट. A B C D E है इसमें, इसमें E भी है, ध्यान रखना. जरा देखना तो इसमें E भी है. Only one. Some pens are pencils, some pens are papers. Okay. And neither one or two, neither one nor two, and both one and two. Okay. सम पेपर्स और पेन्स. आपका डायग्राम बन गया क्या? सबका डायग्राम बन गया आपका सबका? वंडरफुल, वंडरफुल. सम है, ऑल है, हम ऑल वाला लेते ना पहले, है ना? सो ये मैंने बना लिया पेन्स, ये फिर मैंने बना लिया पेंसिल्स, है ना? दिस इज डन. एंड सम पेपर्स आर पेन्स, ध्यान से देखना. ये है मेरा पेन्स, ठीक है? ये है मेरा पेंसिल्स. ये बन गया सब लोग? दिस इज डन. अब सम पेपर्स आर पेन्स. सो अगर सम पेपर्स आर पेन्स है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सम पेपर्स आर पेन्स है तो आप कैसे बना सकते हो? देखो इसको, सम पेपर्स आर पेन्स, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, अंदर तक ले जाने की आपको जरूरत नहीं है. आई कैन सिंपली मेक इट ऐसे, है ना? दिस इज सम पेपर्स आर पेन्स, है ना? नाउ सम पेन्स आर पेंसिल्स फॉर श्योर, सम पेन्स आर डेफिनेटली पेंसिल्स, ये वाले तो हैं ना. सम पेन्स आर पेपर्स, यस, सम पेन्स आर डेफिनेटली पेपर्स, ये वाले तो हैं ना. हाँ, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. इसमें अगर होता ना कि सम पेपर्स आर पेंसिल्स तो रॉन्ग हो जाता, ठीक है? सम पेपर्स आर पेंसिल्स अगर होता तो रॉन्ग हो जाता. देखो अगर बाय चांस आता सम पेपर्स आर पेंसिल्स तो ये डेफिनेटली ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है? बता दो तुमको कि कहीं अगर एग्जाम में इस तरीके से आए तो आपको आना चाहिए, वे करने आना चाहिए आपको, है ना? ये रॉन्ग हो जाता. सो इसमें ई करेक्ट है. बोथ वन एंड टू फॉलो. यस एवरीबडी, दिस इज गुड. क्या सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? चलिए जी, सो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके सो अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन. थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक, किसी तरीके से एक जैसे हैं. एंड दे विल बी ग्रुप टुगेदर, यू हैव टू क्रिएट फैमिलीज. विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? विच वन इज लाइक ब्लैक शीप, ये बाहर है, ये नहीं बिलोंग करता. विच वन डज नॉट बिलोंग? फटाफट. जिंजर, अनियन, बीटरूट, कोरिएंडर. जिंजर, अनियन, बीटरूट, कोरिएंडर. ओह यस एग्जैक्टली. यार मसाला मत बनाओ, सिंपल सा है इसकी ग्रोथ पर. यस कोरिएंडर इज लीव, है ना? लीव्स, पत्ती आती पहले, रूट्स, ठीक है ना? हाँ, सो ये चीज ठीक रहेगी, राइट? ये समझ में आया ना? क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बेसिक लगा ना. मसाले मत बना देना कि यार तीन मसाले होते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है. कोरिएंडर इज आल्सो यूज्ड इन मसाला. ओके, फर्स्ट सब अंडरग्राउंड होता है. यस, ऑल आर ग्रोन, दीज आर रूट्स एंड
करियांडर्स लीव यस धनिया ताला लगा दिया जाए ओके चलो मैं ताले वाले पूछती हूँ फिर थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक अगेन स्नेक फ्रॉग रैट मंगूस बताइए जी स्नेक फ्रॉग रैट एंड मंगूस बताओ तो जरा जल्दी से स्नेक फ्रॉग रैट मंगूस बता सकते क्या कोरिएंडर का स्पेलिंग कौन लिखा है सुकृति कोरिएंडर बेटा कोरिएंडर की स्पेलिंग ठीक करो तुम्हारा स्पेल टेस्ट भी लेना होगा मुझे एक बार लग रहा है स्पेल टेस्ट भी लेना होगा जल्दी से यस एब्सोल्युटली स्नेक पर ताला लगाया जाए हाँ कंप्यूटर जी स्नेक पर ए स्नेक पर ताला लगाया जाए यस नागिन क्या नाग का नाम कुछ और होता है क्या नागिन इज स्नेक हाँ सो व्हाट इज स्नेक बेचारा नाग क्या है वो है ही नहीं कैटेगरी में ओके स्नेक इज द ओनली पॉइजनस वन और दीज थ्री आर नॉन वेनमस ठीक है ना और ये जो है ये वेनमस होता है ठीक है पॉइजनस होता है चलिए जी नेक्स्ट Three of the following four again. We have to select the one which does not belong here. Italy, Europe, Greece and India. Italy, Europe, Greece, India. Jaldi se. Sapera. Kya masti bhoot chad gaye kya tum logo ko? है यूट्यूब पे सबको भूत छेड़ के कोई सपेरा बन गया कोई नाग बन गया वेरी गुड क्या बात है मैं नागिन तू सपेरा हो जाए एक बार मस्त हाँ एक गूगल मीट करवाती हूँ एक तब कर लेना नागिन सपेरा सब कर लेना तुम लोग एवरीवन यूरोप यस सो व्हाई यूरोप यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट दिस इज अ कॉन्टिनेंट रेस्ट ऑल द कंट्रीज एब्सोल्युटली दिस इज अ कॉन्टिनेंट बिल्कुल सही रिमेनिंग आर कंट्रीज ये इटली कंट्री है ग्रीस कंट्री है इंडिया कंट्री है बिल्कुल सही नेक्स्ट देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड फ्लावर इज कोडेड एज 36 फ्लावर इज कोडेड एज 36 सनफ्लावर इज कोडेड एज 81 फॉलोज को कोड करना है फटाफट से फॉलोज को कोड करना है ये इसका ना ट्रिक बड़ा अलग टाइप का है इसका जो ट्रिक है बड़ा अलग टाइप का है इसका जो कोडिंग लॉजिक है इट इज वेरी डिफरेंट थोड़ा कोशिश करो तो तुम लोग शायद बन जाए थोड़ा कोशिश करो तो शायद से बन जाए इसका कोडिंग लॉजिक इज वेरी डिफरेंट हाँ बुक का है हम कर चुके हैं फिर भी जो स्टूडेंट्स अगर नए हैं तो यू हैव टू गिव A logical answer. Now here, 36 में कुछ और नहीं बन रहा आप इसको चाहे 6 लेके करो चाहे ना आप कैसे भी करके करो ठीक है ना सो आप इसको 15 लो आप इको 5 नहीं आएगा बट वन थिंग इफ यू कैन सी नंबर ऑफ लेटर्स दे डू मैच नंबर ऑफ लेटर्स आर 6 लेटर्स एंड हियर यू कैन सी 36 व्हिच इज 6 स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Same here. 9 letters here you can see 87, 81, 9 square. So here, यहाँ पर 7 letters हैं. 7 letters. This can be taken as a logic. 49 can be a good answer. 7 square. समझ में आया ना? So यहाँ पर हम 49 ले सकते हैं answer. A little different logic, but yes. हाँ, number of letters का square. Yes, बिल्कुल सही. चलिए जी, ये देखिए, next question. A, B, P means roses are blue. यार कैसा language है ये? हाँ, this ill and B and P. Ill, B, P. Ill, B, P is like, हाँ, तो अजीब-अजीब से words है ना? Like, so differently. Spelled and meant words English में तो meaning ही कुछ और ही हो जाएगा. Sick he means red flowers. P mit he means flowers are vegetables. How is red written in that code? हाँ, see, ill be P. Sick he means red flowers. देखो दो दो है यहाँ पे यहाँ से करना है ना.
सिक ही रेड फ्लावर्स इल बी पी रोजेस आर ब्लू ध्यान से हाँ फिर पी मिट ही फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स जल्दी से करो पहले फ्लावर्स को काट लो एक बार जल्दी से सिक ही और देखो सिक ही यहां से कर देती हूं सिक ही दो ही है खाली सिक ही देखो रेड फ्लावर्स फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स फ्लावर्स यहां भी है देखो यहां ध्यान से रेड फ्लावर्स एंड पी मिट ही फ्लावर्स आर वेजिटेबल यू कैन इजिली टेक आउट फ्लावर्स फ्लावर्स जो है वो है क्या वो है ही इज इक्वल टू फ्लावर्स कैन यू सी दिस सो रेड क्या हो जाएगा रेड क्या हो जाएगा वेरी वेरी सिंपल इट्स सिक सिक यस एवरीवन एकदम चवन्नी क्वेश्चन था एकदम जरा सा क्वेश्चन था चुटकू सा ठीक है ना कॉमन निकालते हैं कॉमन को हटाते हैं वर्ड को मैप करते हैं और कोड निकालते हैं ठीक है एवरीवन दिस इज गुड एवरीबॉडी चलिए जी अच्छा था ये और आराम से निकल आया चलिए अगले दो तीन क्वेश्चन और हैं थोड़ा ध्यान से करो ठीक है अगला देती हूँ डूबो हुई मलजो स्टैंड्स फॉर स्टैंड्स का बी भी खा गए चलो स्टैंड्स फॉर वर्क इज वेरी हार्ड हुई डूबो बाकी मैं भी ऐसे एक लैंग्वेज बनाने वाली हूँ मैं भी तुमको तुम बोलोगे डूबो हुई मलजो हाँ तो मैं बोलूंगी जैसे बिंगो हुई का नाम बिंगो की जगह साहिल है साहिल मैथ सॉल्व कर लेगा मैं बोलूंगी हुई डूबो बाकी साहिल इज वेरी स्मार्ट और हुई ऐसे मैं भी कर देती हूँ मैं भी तुम ऐसे बोलोगे मुझे ना डूबो हुई मुलजो कि हमको वर्क इज वेरी हार्ड हम एक नया लैंग्वेज ही बना लेते हैं हम लोग अब एक नई लैंग्वेज ही बना लेते हैं मुझे कर लेते हैं हम लोग एक नई लैंग्वेज बना लेते हैं ना आराम से बन जाएगा केक इज हार्ड नैनो मूल डुगो 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 कितना डुगो डुगो यूज हो रहा है ना कहीं से भी हो क्वेश्चन मस्त है कहीं से भी हो क्वेश्चन मस्त है आराम से निकल रहा है ना डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बिंगो के लिए निकालना है बिंगो इज बा बिल्कुल सही सेम वैसे ही निकलेगा डुगो ही मलजो स्टैंड्स फॉर वर्क इज वेरी हार्ड ठीक है अब हुई डुगो बाकी बिंगो इज वेरी स्मार्ट देखो वेरी हार्ड वेरी स्मार्ट इसमें कुछ सेम टू सेम मिल रहा है देखो इसमें कुछ सेम टू सेम मिल रहा है हुई हाँ बाकी डुगो तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो इज वेरी का आपको मिल जाएगा इज वेरी है ना सो इज वेरी इज लाइक यू गॉट दिस हाँ ये हुई देखो ध्यान से हाँ डुगो हुई दिस इज गॉन आपको बिंगो के लिए चाहिए ना आप देखो यहां से केक इज हार्ड ध्यान से देखो केक इज हार्ड सो यहां पर फिर से नैनो मुल डुगो ये देखो यहां से भी ये आपको कौन सा हटाना है ये चीज बहुत जरूरी है स्मार्ट हटाना है ना स्मार्ट हटाना है ना आपको अब स्मार्ट हटाना है तो यहां पर देख लो हाँ मल्की गु स्मार्ट एंड हार्ड ध्यान से देखना हाँ So, smart and hard and smart यहाँ पर भी है smart यहाँ पर भी देख लो कौन सा कॉमन है देखो की एंड हियर मल की को सी दिस की कॉमन की हट गया दिस बायस ओनली थिंग लेफ्ट स्मार्ट हटा यहाँ से स्मार्ट की जगह यहाँ हमने देखा की कॉमन है की भी कट गया देखो की भी कट गया की हमने काट दिया उड़ा दिया यहाँ से सो की इज कट एंड बा इज फॉर बिंगो सी यू जस्ट हैव टू सिंपली मैच इट एंड मैप इट दोनों चीजें मैचिंग करो क्रॉस कर दो और फिर मैप करो वर्ड निकाल दो बिंगो सिंपल है इतने सारे सेंटेंसेस दिए रहते ताकि आप कॉमन देख देख के उसको स्ट्राइक ऑफ कर सको ठीक एवरीवन नाउ गॉट दिस इजी है ना ये एकदम इजी है ये चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये कल परसों में मैंने कराया ना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये बिल्कुल सिंपल सा इफ रेन इज कॉल्ड वाटर वाटर इज कॉल्ड एयर Air is called cloud, cloud is called sky, sky is called sea, sea is called road. Where do airplanes fly? You have to get the code, okay? आपको code देना है, code as per question आपको देना है, ठीक है ना? अपने मन का answer नहीं देना है,
कोड एज पर क्वेश्चन एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन यू ऑलवेज विल हैव टू गिव द रियल और द फैक्चुअल आंसर एंड देन गिव मी द कोडेड आंसर एवरीवन गिव रियल फैक्चुअल आंसर एंड डोंट फॉरगेट टू चेंज दिस टू कोड कोड फॉर दिस वर्ड कोड फॉर दिस वर्ड ध्यान से करना this word in question देखो airplanes कहाँ fly करते हैं everyone airplanes कहाँ fly करते हैं anybody बिल्कुल सही समंदर में फ्लाई करते कितना अच्छा आंसर है वेल यस ये अच्छा आंसर इसलिए है क्योंकि वेरी सिंपली आपको क्वेश्चन के हिसाब से कोड देना है हमारा रियल आंसर है हमारा रियल क्या आंसर है हमारा रियल आंसर है स्काई राइट हमारा रियल आंसर होगा स्काई वेयर डू एयरप्लेन्स फ्लाई हमारा आंसर देखो ये है हमारा आंसर है स्काई बट हमको कोड लेना है ना देखो ना यहाँ पर क्लाउड्स में नहीं क्लाउड्स आर कॉल्ड स्काई क्लाउड्स आर कॉल्ड स्काई स्काई इज कॉल्ड ये हमको निकालना है कई बच्चे क्लाउड कर देते रॉन्ग हो जाएगा देखो हमको स्काई इज कॉल्ड वॉट स्काई इज कॉल्ड सी सो वी विल टेक सी एज आर आंसर हमारा कोड क्या है कोड है सी दैट्स वाई सी विल बी माई आंसर एज पर द गिवन कोड इन द क्वेश्चन स्काई इज कॉल्ड सी ठीक एवरी वन डन मजा आया सबको मजा आया यार सब लोग जो है अच्छी प्रैक्टिस करते रहना कल सैटरडे संडे अपनी क्लासेस यूट्यूब पर ऑफ होती है मंडे फिर कंटिन्यू करेंगे कल आई थिंक गिरीश विल टेक हिज क्लास यूट्यूब वाला तो इफ यू वांट यू ऑल कैन जॉइन हो देयर एंड बिफोर यू ऑल लीव अगेन आई इंसिस्ट कि सब लोग जिसने लाइक ना किया हो वो कर दे और 110 पे हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास है आप बिंदास बेधड़क ज्वाइन कीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए आप मेरे साथ ठीक है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री क्लास है ना आप आ सकते हैं अपना अनअकैडमी पर अच्छी हुए सी यू बाय बाय एवरीवन आफ्टर 10 मिनट्स चलो से एक ब्रेक ले लेते हैं फिर मिलते हैं बाय 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 टेक केयर बाय बाय